लोकसभा चुनाव में चार चरण का मतदान हो चुका है। इन सबके बीच जो हॉट सीट है वो यूपी की रायबरेली और अमेठी सीट है। अमेठी सीट पर एक तरफ कांग्रेस वापसी के लिए जी जान लगाकर बैठी है तो दूसरी ओर बीजेपी भी कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में है। अमेठी में कल अखिलेश, राहुल और प्रियंका हुंकार भरेंगे तो दूसरी तरफ अमित शाह भी रैली करने वाले हैं और पलटवार करेंगे। अमेठी में जंग जोरदार, पक्ष विपक्ष में आर पार, गढ़ वापसी को लेकर चक्रव्यूह, कब्जा बरकरार रखने की हुंकार। अमेठी वापसी के लिए कांग्रेस कवायद पर कवायद करने में लगी है। एक तरफ प्रियंका गांधी दिन रात अमेठी की गलियों में प्रचार कर रही हैं, तो दूसरी ओर अब कभी यहां से सांसद रहे राहुल गांधी अपने नए राजनीतिक साथी अखिलेश यादव के साथ हुंकार भरने की तैयारी में हैं। अमेठी में एक मंच पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत साथ आकर लोगों को साधने की कोशिश करेंगे। सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। 13 रुपए किलो शक्कर का वादा किया था। अमेठी को कांग्रेस पार्टी ने तमाम इंडस्ट्री, स्कूल, अस्पताल, राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान, सेल, गेल, भेल, हवाई अड्डा, जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया, मुंशीगंज इंडस्ट्रियल एरिया, तो हमने वो सब दिया। बीजेपी तो सिर्फ यहाँ के लोगों को अपमानित करती रही, डराती धमकाती रही। कल अमेठी में इंडिया गठबंधन की विराट रैली है और भारतीय जनता पार्टी को इसका एहसास हो गया है कि अमेठी और रायबरेली उनके हाथ से जा चुके हैं। कल ये तय हो जाएगा कि ऐतिहासिक कितने अधिक मतों से अमेठी और रायबरेली इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जीतेंगे, और जिसका परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी इतना डरे हुए हैं कि वो अमेठी रायबरेली आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। अमेठी की जंग में आर पार की तैयारी है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन के साथी हुंकार भरेंगे तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह अमेठी की धरती पर विरोधियों को ललकारेंगे। बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के पक्ष में प्रचार कर अमेठी पर कब्जा कायम रखने की कोशिश करेंगे। अमेठी की सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने सीट पर जीत हासिल की थी। अब राहुल गांधी अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं और यहां स्मृति के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार केएल शर्मा मैदान में हैं। देखना होगा कि दिग्गजों के हुंकार के बाद अमेठी की जनता जीत का ताज किसके सिर पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।